फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल रीजनिंग से पार्ट 4 और टॉपिक का नाम है कॉज एंड इफेक्ट। तो जैसा मैंने आपको कहा हुआ है, क्रिटिकल रीजनिंग में जो आपका कॉमन सेंस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, और ये जो सेक्शन है काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है। इजीली आप अपना स्कोर इस सेक्शन को ध्यान में रखते हुए बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पेपर वर्क आपको बहुत कम करना पड़ता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स जो हैं इतनी लेंथी नहीं होती हैं, बस आपको समझना होता है और कॉमन सेंस यूज करके आपको उनका जवाब देना होता है। तो काफ़ी इजीली आप आंसर्स मार्क कर सकते हैं बिना पेपर वर्क किए, बिना टाइम गवाएं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास में टाइम बचेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को मार्क करने से या इनको अटेम्प्ट करने से आप अपना स्कोर तो बढ़ा पाएंगे, साथ में टाइम भी आप बचा पाएंगे ताकि अदर क्वेश्चंस जो हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकें। फ्रेंड्स, क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन से अभी तक हम 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कोई पार्ट मिस कर दिया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो पास में एक बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल के थ्रू मिल जाए, आप उस वीडियो को मिस ना करें, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, हेल्पफुल हो आपके लिए तो लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, जो थम्सअप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। क्रिटिकल रीजनिंग से पार्ट 4, कॉज एंड इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस पार्ट में कॉज एंड इफेक्ट के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए कोई स्पेशल थिंग्स नहीं है। आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, आपकी सूझबूझ ही आपके काम आएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे तो कॉज एंड इफेक्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आप कॉज और इफेक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, किस तरह से उनको फाइंड आउट कर पाओगे, ये समझ में आएगा। तो इन्फॉर्मेशन देखते हैं, डायरेक्शंस दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 स्टेटमेंट ए एंड बी आर गिवन, देयर मे बी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द 2 स्टेटमेंट्स, दीज 2 स्टेटमेंट मे बी द इफेक्ट ऑफ सेम कॉज और इंडिपेंडेंट कॉज, दीज स्टेटमेंट्स मे बी इंडिपेंडेंट कॉजेज विदाउट हैविंग एनी रिलेशनशिप, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स इन ईच क्वेश्चन एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली, मार्क योर आंसर एज, गिव आंसर 1 इफ स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट, give answer 2 if statement b is the cause and statement a is its effect, give answer 3 if both statements a and b are independent causes, give answer 4 if both statements a and b are effects of independent cause, give answer 5 if both statements A and B are effects of some common cause। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें 2 स्टेटमेंट्स होंगे, स्टेटमेंट A और स्टेटमेंट B। तो फर्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि दोनों ही जो स्टेटमेंट A स्टेटमेंट B हैं उनमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि स्टेटमेंट ए अगर कॉज है तो स्टेटमेंट बी इफेक्ट होगा, स्टेटमेंट बी अगर कॉज है तो स्टेटमेंट ए इफेक्ट होगा। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, एक सेम कॉज के लिए या फिर इंडिपेंडेंट कॉजेज के लिए, यानी कि 2 अलग अलग कॉज होंगे उनके वो इफेक्ट होंगे। तीसरा यहाँ पर कहा गया है द स्टेटमेंट में बी इंडिपेंडेंट कॉजेज विदाउट हैविंग एनी रिलेशनशिप, तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो कॉज हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट कॉज हो सकते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होगा।
तो यहाँ पर इन इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमें पहले तो जो भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे उनमें देखना होगा कोज है इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट हैं दोनों कोज हैं, वो देखना होगा। उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है कि कौन सा ऑप्शन हमें मार्क करना है। अगर स्टेटमेंट ए कोज हुआ स्टेटमेंट बी इफेक्ट हुआ तो हम फर्स्ट को मार्क करेंगे, स्टेटमेंट बी कोज हुआ स्टेटमेंट ए इफेक्ट हुआ तो सेकंड को हम मार्क करेंगे। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कोजेज, यानी कि दोनों ही कोज हुए और इंडिपेंडेंट हुए, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं हुआ, तो उस केस में हम थर्ड ऑप्शन को मार्क करेंगे। फोर्थ ऑप्शन कब मार्क करेंगे, जब दोनों ही स्टेटमेंट ए और बी इफेक्ट्स होंगे इंडिपेंडेंट कोजेस के, ठीक है, दो अलग अलग कोज होंगे और उनके अगर इफेक्ट स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी होंगे तो उस केस में हम फोर्थ ऑप्शन को मार्क करेंगे। ऑप्शन फिफ्थ को कब मार्क करेंगे, जब दोनों ही स्टेटमेंट ए और बी इफेक्ट होंगे एक सेम कोज के लिए। तो ये फाइव ऑप्शंस के लिए इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि किस तरह से हमें ऑप्शंस को मार्क करना है। तो अब स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर वन, स्टेटमेंट ए हमें दिया गया है द फूड प्राइस इज टच्ड एन ऑल टाइम हाई ड्यूरिंग दिस वीकेंड। तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट ए में कहा गया है कि इस सप्ताह के अंत के दौरान जो भी भोजन की कीमतें थी वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, ठीक है। क्या हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा क्या गया है, जो भी भोजन की कीमतें थी इस सप्ताह के अंत में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। स्टेटमेंट बी दिया गया है मैनी शॉप्स वर रेडेड एंड एडल्टरेटेड फूड आइटम्स वर सीज्ड, यानी कि कई दुकानों पर छापे पड़े और जो मिलावटी भोजन था, मिलावटी सामान था, मिलावटी खाने का जो सामान था उनको सीज कर दिया गया, उनको जब्त कर लिया गया। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी, तो अपना कॉमन सेंस आप यूज़ कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि स्टेटमेंट ए कोज है इफेक्ट है, स्टेटमेंट बी कोज है या इफेक्ट है, क्योंकि आपको जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, जो भी ऑप्शंस आपको चुनने हैं वन से लेकर फाइव में, हर एक में अलग अलग कंडीशन है। फर्स्ट केस में दोनों ही एक तरह से इफेक्ट और कोज रिलेशनशिप उनके बीच में हो सकता है, तो फर्स्ट में तो अगर ए कोज हुआ बी इफेक्ट हुआ तो फर्स्ट आप चुनेंगे, बी अगर कोज हुआ ए इफेक्ट हुआ तो आप सेकंड चुनेंगे, और इसी तरीके से अदर ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, दोनों ही स्टेटमेंट को साथ में लेकर चलते हैं, दोनों को कंपेयर करते हुए हम चलते हैं। स्टेटमेंट बी में यह बोला गया है कि कई दुकानों पर छापे पड़े और जो मिलावटी माल था, मिलावटी खाद्य पदार्थ था, उसको जब्त कर लिया गया। तो इस केस में देखिए, अगर ऐसा होता है तो उस केस में जाहिर सी बात है जो फूड आइटम्स हैं उनकी प्राइस में इजाफा होगा, वो इंक्रीज होंगी। इसका कारण क्या है कि जो पहले माल था पूरे मार्केट में उसमें कमी आ गई, ठीक है, उसमें कमी आ गई क्योंकि कई जगह पर छापा पड़ा और मिलावटी माल को जब्त कर लिया गया। पहले मार्केट में जो क्वांटिटी थी फूड की वो ज़्यादा थी, अब क्वांटिटी कम रह गई और मांग ज़्यादा है, उस केस में होता क्या है कि प्राइस इंक्रीज होती है। तो सीधा सा आप समझ सकते हैं, स्टेटमेंट ए में हमसे ये कहा है कि सप्ताह के अंत में भोजन की कीमतों में कीमतें जो थी वो अपने उच्चतम स्तर पर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो तो इफेक्ट है, ठीक है, वो कोज नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट इफेक्ट है। स्टेटमेंट बी की बात करें, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर मार्केट में जो भी क्वांटिटी है, फूड की क्वांटिटी है, उसमें कमी आ जाए और मांग ज़्यादा रहे तो जाहिर सी बात है प्राइजेज में इजाफा होगा, इंक्रीज होंगी प्राइजेज। तो स्टेटमेंट बी और दोनों रिलेटेड हैं, और स्टेटमेंट बी में जो कहा गया है वो एक कोज है, ठीक है, वो एक कारण है जिसकी वजह से इफेक्ट क्या हुआ, जो भी फूड की प्राइजेज हैं वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं स्टेटमेंट बी कोज है, स्टेटमेंट ए इफेक्ट है, इस वजह से कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा, ऑप्शन टू, ठीक है। ऑप्शन टू में हमसे कहा गया था अगर स्टेटमेंट बी कोज हो स्टेटमेंट ए इफेक्ट हो तो उस केस में आप कौन सा ऑप्शन चुने, ऑप्शन सेकेंड चुने, तो ऑप्शन टू राइट होगा क्वेश्चन नंबर वन के लिए। और अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। स्टेटमेंट ए यहाँ पर दिया गया है द एवरेज इनकम ऑफ द कॉमन मैन हैज़ इंक्रीज्ड, तो एक सामान्य व्यक्ति है उसकी औसत आय में वृद्धि हुई है,
क्या कहा गया है स्टेटमेंट ए में, सामान्य व्यक्ति की औसत आय में वृद्धि हुई है। स्टेटमेंट बी देखिए, द कंट्रीज इकोनॉमी हैज इम्प्रूव्ड सिंस द लास्ट डिकेड। तो अंतिम दशक की हम बात करें, अंतिम दशक से जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आया है, ठीक है, वो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। अंतिम दशक से जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आया है, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, ये स्टेटमेंट बी में कहा गया है। और मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, स्टेटमेंट ए में कहा गया है कि जो सामान्य व्यक्ति है उसकी औसत आय में वृद्धि हुई है। अब औसत आय में वृद्धि हुई है, ये एक कॉज तो होगा नहीं, एक इफेक्ट है, किसी कॉज का एक इफेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया, ये एक इफेक्ट है जिसका कोई कॉज रहा होगा। अब स्टेटमेंट बी अगर इफेक्ट होता है तो हमारा ऑप्शन, राइट ऑप्शन जो है वो अलग होगा। अगर स्टेटमेंट बी अगर कॉज होता है तो हमारा ऑप्शन अलग होगा। तो देखते हैं, द कंट्री इकोनॉमी हैज इम्प्रूव्ड सिंस द लास्ट डिकेड। अंतिम दशक से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, उसमें मजबूती हुई। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि पर पर्सन की इनकम और कंट्री की इकोनॉमी दोनों ही फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, दोनों ही फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो देखते हैं कि ये कॉज है या इफेक्ट है, इतनी बात तो हमें पता चल गई। अब इकोनॉमी में सुधार हुआ है, ठीक है, इकोनॉमी में सुधार हुआ है तो जाहिर सी बात है पर पर्सन की जो इनकम है उसमें भी इंक्रीमेंट होगा। अगर इकोनॉमी में गिरावट आती तो पर पर्सन की इनकम में भी गिरावट देखने को हमें मिलती, क्योंकि दोनों ही फैक्टर्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, दोनों ही फैक्टर्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर इजीली हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में सुधार हुआ, इसकी वजह से इफेक्ट क्या आया कि पर पर्सन की जो एवरेज इनकम है, औसत आय है, उसमें वृद्धि हुई। तो स्टेटमेंट बी जो है वो क्या है, कोज है। अब इस केस में स्टेटमेंट बी कोज है, स्टेटमेंट ए इफेक्ट है, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर वन में था। तो यहाँ पर भी ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सेकेंड। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि क्रिटिकल रीजनिंग जो सेक्शन है वो एक स्कोरिंग सेक्शन है, आपको पेपर वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ईजिली आप रीड कीजिए क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं, समझिए और अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक साथ जो है 5 क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस तक पूछे जाएंगे। बैंक पीओ मेन एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस तक, और कभी कभार हो सकता है क्रिटिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस तक भी पूछे जाएँ। तो स्कोरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, टाइम आपका बचा पाएंगे और अदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने कॉमन सेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, ताकि इस तरह की सिचुएशन में आंसर्स क्या रहेंगे वो आपको समझ में आ सके। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी हमारे इस चैनल को, वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें आप उस वीडियो को मिस ना करें। और डेली हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको डेली एक नया वीडियो देखने को मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कोज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्टेटमेंट हमें नहीं दी गई जिसमें हमें कोज और इफेक्ट फाइंड आउट करना है, यहाँ पर डायरेक्टली हमें कोज दिया गया है। कोज क्या है, अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म स्वेप्ट अवे मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज। तो कोज यहाँ पर दिया गया है कि बीते 2 दिनों के दौरान एक तीव्र चक्रवात राज्य के अधिकांश भाग को बहाकर ले गया, ठीक है, एक चक्रवात आया जो कि काफ़ी तीव्र था, काफ़ी तेज था, और वो राज्य के अधिकांश भाग को बहाकर ले गया। ये घटना जो है पिछले 2 दिनों में हुई।
आगे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द अबव कॉज। तो इसमें से जो भी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उनमें से हमें एक ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है जो कि एक पॉसिबल इफेक्ट नहीं हो सकता है अबव कॉज का, जो कॉज हमें दिया गया है उसका एक पॉसिबल इफेक्ट नहीं होगा, इस तरह का ऑप्शन हमें यहाँ पर चुनना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इफेक्ट हमें नहीं चुनना है, जो इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, जो इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा उसे हमें यहाँ पर चुनना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है, हैवी रेनफॉल वाज रिपोर्टेड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द लास्ट टू डेज। तो बीते हुए दो दिन में राज्य के अधिकांश भाग में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, काफ़ी ज़्यादा भाग में चक्रवात आया था, चक्रवाती तूफान आया था, तो ये एक रीज़न हो सकता है, ठीक है, ये एक इफ़ेक्ट हो सकता है, प्रभाव हो सकता है कि बारिश उस हिस्से में काफ़ी ज़्यादा हुई। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो एक इफ़ेक्ट होगा, ठीक है, हम इजीली कह सकते हैं अगर चक्रवाती तूफान आया है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बारिश भी होने की संभावना रही होगी, और बारिश हुई इसका मतलब है ये उसका एक इफ़ेक्ट था, ठीक है, ये उसका एक इफ़ेक्ट था, तो फर्स्ट ऑप्शन तो राइट नहीं होगा। सेकेंड देखिए, मैनी पीपल वर रेंडर्ड होमलेस एज देयर हाउसेज वर फ्लोन अवे। तो सेकेंड जो ऑप्शन है उसमें ये कहा गया है कि कई लोग बेघर हो गए, उनके जो घर थे वो उड़ गए। तो जब भी चक्रवाती तूफान आता है तो ऐसी घटना होती है, ठीक है, कई चीज़ें जो हैं वो उड़ाकर ले जाता है, तो कई लोग जो हैं बेघर हो गए और उनके घर उड़ गए, तो ऐसा भी एक इफ़ेक्ट हो सकता है चक्रवाती तूफान का, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी राइट नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड की बात करते हैं, द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट वॉज सेवरली अफेक्टेड एंड कंटिन्यूज टू बी आउट ऑफ गियर। तो जो संचार सिस्टम था, संचार तंत्र था, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था, काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ और वो चालू नहीं हो सका, चालू वाली स्थिति से बाहर चला गया। तो जब भी चक्रवात आता है, तूफान आता है, तो इस तरह की घटना होती है, ठीक है, जो भी संचार का जरिया होता है उस पर काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इस तरह की घटना उस केस में हो सकती है, तो ये भी एक इफ़ेक्ट माना जा सकता है अबव कॉज के लिए, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया है, गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड डेट ऑल द ऑफिसेज एंड स्कूल्स शुड बी केप्ट ओपन। देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में बोला यह गया है कि सरकार ने आदेश दिया है कि सभी जो ऑफिस हैं, जो भी कार्यालय हैं और स्कूल हैं, वो सब ओपन रहेंगे, ठीक है, खुले हुए रहेंगे। अब जनरली आप देखिए जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, तूफान आया है, अधिकांश भाग जो है वो बहा ले गया है, तूफान उड़ा ले गया है अपने साथ में, तो उस केस में गवर्नमेंट इस तरह का ऑर्डर नहीं देती है कि जो भी कार्यालय हैं, स्कूल हैं, वो सब खुले रहें। अक्सर ऑर्डर ये दिया जाता है कि उनको बंद कर दिया जाए, उनको बंद रहने दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन एक इफ़ेक्ट नहीं होगा, जो हमें कोर्स दिया गया है उसका एक इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे लिए, फोर्थ ऑप्शन, गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर डेट ऑल द ऑफिसेज एंड स्कूल्स शुड बी केप्ट ओपन। तो बेसिकली फ्रेंड्स, क्रिटिकल रीजनिंग में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सिचुएशंस को लेते हैं, किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो एक इफ़ेक्ट हमें दिया गया था, या फिर मैं इफ़ेक्ट ना कहूँ तो इसे ऑप्शन कह सकते हैं, क्योंकि ये इफ़ेक्ट नहीं है अबव कॉज का, तो ये इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये कब पता चला आपको, जब आपने ये ट्राई किया कि इस तरह की कंडीशन नहीं बनती है जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, जब भी कोई चक्रवात आता है तो उस केस में सभी गवर्नमेंट जो ऑर्डर देती है वो ये देती है कि कार्यालय और स्कूल जो हैं वो बंद रहें, ठीक है, बंद रखे जाएं जब तक ये सिचुएशन जो है वो हैंडल नहीं की जाती है। तो ये कब पता चला आपको, जब इस तरह की सिचुएशन के बारे में आपने सुना हुआ है और क्या क्या किया जाता है, तो ये सारी कुछ बातें फिर कॉमन सेंस पर डिपेंड करेंगी और उसी से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्मॉल ग्रोसरी शॉप ओनर्स हैव गोन ऑन अ डेज स्ट्राइक इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एंट्री ऑफ अ फॉरेन रिटेल स्टोर चेन इन द सिटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि फॉरेन रिटेल स्टोर चेन के शहर में प्रवेश के विरोध में
कई किराने की दुकान के मालिक एक दिन की हड़ताल पर चले गए हैं, ठीक है, स्ट्राइक उन्होंने कर दी है एक दिन की, किसके विरोध में, जो फॉरेन रिटेल स्टोर है, विदेशी खुदरा स्टोर है, उसकी चेन शहर में आ रही है, ठीक है, प्रवेश कर रही है, उसके विरोध में कई किराने की दुकान के मालिक एक दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। ये हमें यहाँ पर तरह से कोज दिया गया है, ठीक है, कोज दिया गया है। अब क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी एन इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव। तो अबव जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके इफेक्ट क्या होंगे, क्या उसका इफेक्ट हो सकता है, जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें से एक को हमें सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द स्मॉल ग्रोसरी शॉप ओनर्स परसीव द बिग रिटेल गेंट्स एज शार्क्स ट्राइंग टू डोमिनेट द अवेलेबल मार्केट स्पेस। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा यह जा रहा है कि जो छोटे किराने की दुकान के मालिक हैं वो रिटेल के दिग्गजों को शार्क के रूप में देख रहे हैं, जो कि उपलब्ध बाजार की जगह है उस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। छोटे जो किराने की दुकान के मालिक हैं वो बड़े दिग्गजों को, रिटेल के बड़े दिग्गजों को शार्क के रूप में देख रहे हैं, जो उपलब्ध बाजार पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सोचिए कि ये जो स्टेटमेंट है क्या इफेक्ट हो सकता है, जो कोज हमें दिया गया है उसके लिए। किराने की दुकान के मालिक स्ट्राइक पर चले गए, हड़ताल पर चले गए, क्या इसके लिए ये कोज इफेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है खुद एक कोज है, ठीक है, खुद एक कोज मानकर हम इसे चल सकते हैं, क्योंकि किराने की दुकान के मालिकों को ऐसा लगता है जो रिटेल के दिग्गज हैं वो शार्क के रूप में तो दिखाई देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है वो पूरे मार्केट पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है, पूरे मार्केट पर वो अपना कब्जा जमा लेंगे, तो उनको ऐसा डर लगता है, हो सकता है उनको डर लगता है, इस वजह से वो हड़ताल पर चले गए ताकि इस चीज़ को रोक सके। तो इसे हम कोज माने तो ये इफेक्ट हो सकता है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसको कोज मानकर एक इफेक्ट फाइंड आउट करना है। तो कंडीशन यहाँ पर बैठ नहीं रही है, ठीक है, ये एक कोज है, इफेक्ट नहीं है, तो इस वजह से हम फर्स्ट को कैंसिल कर देंगे, हमें इस कोज के लिए एक इफेक्ट फाइंड आउट करना है। अब ऑप्शन सेकंड देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रिटेल हैज शोन अ ट्रिमेंडियस ग्रोथ इन इंडिया सिंस अ कपल ऑफ ईयर। तो सेकंड जो ऑप्शन है उसमें ये कहा जा रहा है कि रिटेल में विदेशी निवेश ने कुछ सालों में भारत में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि दिखाई है, भारी वृद्धि दिखाई है। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या इफेक्ट हो सकता है अबव कोज का, नहीं हो सकता, ठीक है, रिलेटेड नहीं है। जो छोटे दुकानदार हैं वो हड़ताल पे गए उसका इस बात से मतलब नहीं होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड को देखते हैं, देर हैव बीन सेवरल कंट्रीज इन विच रिटेल चेन गेंट्स हैव टोटली वाइप्ड आउट स्मॉल स्केल ग्रोसरी शॉप। और देखिए थर्ड ऑप्शन में ऐसा कहा गया है कि कई देशों में ऐसा हुआ है, रिटेल श्रृंखला के जो दिग्गज हैं उन्होंने छोटी किराने की दुकान को बिल्कुल ही मिटा दिया है, उनका व्यापार जो है बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है क्या अबव कोज के लिए इफ़ेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। किराने की दुकान वाले जो मालिक हैं वो हड़ताल पर गए हैं, क्या उसका इफ़ेक्ट ये हो सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल एक अलग स्टेटमेंट चल रहा है, ठीक है, इसमें एक कोज भी है और इफ़ेक्ट भी है, तो सिर्फ ये इफ़ेक्ट मानकर हम चलें सही नहीं होगा, इस वजह से थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, द गवर्नमेंट एग्रीड टू टेक ऑल पॉलिटिकल स्टेप रिक्वायर्ड टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल स्केल रिटेलर। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन जो है एक इफ़ेक्ट यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट सहमत हो गई है, गवर्नमेंट मान चुकी है वो पूरे राजनीतिक कदम उठाएगी छोटे खुदरा व्यापारी के हितों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। अब देखिए स्ट्राइक पर गए थे किराने के व्यापारी या किराने की जो मालिक थे वो स्ट्राइक पर गए थे, ठीक है, स्ट्राइक पर गए थे, हड़ताल पर गए थे अपनी मांगों को मनवाने के लिए, किससे, गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट ही रोक लगा सकती है इस फैसले पर, जो फॉरेन रिटेल स्टोर चेन सिटी में आ रही है उस पर गवर्नमेंट ही रोक लगा सकती है, और उसी वजह से वो स्ट्राइक पर गए थे। तो ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है ऑप्शन फोर में, एक पॉसिबल इफेक्ट यहाँ पर
हो सकता है, ठीक है, एक पॉसिबल इफेक्ट यहाँ पर हो सकता है, इस वजह से इस ऑप्शन को हम राइट मानेंगे, ठीक है, इस वजह से इस ऑप्शन को हम राइट मानेंगे। एक इफेक्ट हमें फाइंड आउट करना था अबव कोर्स के लिए और वो इफेक्ट हमें दिया गया है ऑप्शन फोर में। तो फ्रेंड्स, कॉमन सेंस के साथ में आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कई बार जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उनमें कई ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते, यूज़ में नहीं लेते, तो वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसका जो भी अर्थ है वो ठीक से आप समझ सकें। अगर ठीक से आप समझेंगे तब जाकर एक सही नतीजे पर आप पहुंच पाएंगे। अब डिस्कस करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन मैनेजमेंट इन द लोकल कॉलेज हैव सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास विच इज़ कंपेरेटिवली हायर देन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द अदर मैनेजमेंट कॉलेजेस इन द स्टेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया है स्थानीय कॉलेज में प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की अंतिम परीक्षा में अधिकांश छात्रों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, जो राज्य के अदर अन्य प्रबंधन कॉलेज हैं उनके प्रदर्शन से काफ़ी ज़्यादा अधिक है, तुलनात्मक रूप में काफ़ी ज़्यादा अधिक है, ठीक है। स्थानीय कॉलेज में प्रबंधन में जो भी छात्र थे अधिकांश ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, जिनको कंपेयर किया गया है राज्य के अदर कॉलेजों से, मैनेजमेंट कॉलेजेस से, और उनका प्रदर्शन लोकल कॉलेज का जो प्रदर्शन रहा है उसके छात्रों का जो प्रदर्शन रहा है वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा अधिक है। अब आगे क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग में इंडिकेट डेट द रिजल्ट्स आर नॉट इन लाइन विद द जनरल ट्रेंड। तो ऐसा कौन सा तथ्य है जो संकेत दे रहा है कि जो भी रिजल्ट आए हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं, वो सामान्य प्रवृत्ति के अधीन नहीं है। नॉट इन लाइन का मतलब है अनुरूप, ठीक है, सामान्य प्रवृत्ति जैसा हम सोचते हैं, जैसा नॉर्मली होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से ऐसे किसी स्टेटमेंट को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, जो स्टेटमेंट कहा गया है ये हमारे काम आएगा उन स्टेटमेंट में से फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा सही नहीं हो सकता, जो जनरल हम सोचते हैं उस प्रवृत्ति के आधार पर सही नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द स्टूडेंट ऑफ द लोकल कॉलेज आर क्वालिटेटिवली बेटर देन दोज ऑफ अदर कॉलेजेस। तो स्थानीय कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी छात्र हैं, वो गुणात्मक तौर पर काफ़ी बेहतर हैं अन्य कॉलेजेस से। तो जिस तरह का रिजल्ट आया है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है जो भी स्थानीय कॉलेज में छात्र हैं वो बेहतर हैं अन्य कॉलेजेस से, अन्य जो कॉलेज हैं राज्य में उनसे बेहतर हैं। तो ये बात हो सकती है, जो भी रिजल्ट आया है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन राइट नहीं होगा, हमें जस्ट अलग यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सेकंड क्या बोला गया है, द ऑथोरिटीज ऑफ द अदर मैनेजमेंट कॉलेजेस इन द स्टेट आर स्ट्रिक्टर इन देयर स्टैंडर्ड ऑफ इवोल्यूशन फॉर देयर स्टूडेंट। तो ऑप्शन टू में ऐसा कहा जा रहा है कि अन्य प्रबंधन कॉलेज के जो अधिकारी हैं वो मूल्यांकन में सख्त होते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन में सख्त होते हैं, काफ़ी मुश्किल से नंबर देते हैं, हार्ड मार्किंग एक तरह से वो करते हैं। तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो भी स्थानीय कॉलेज के छात्र थे उन्होंने अधिकांश ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। इन्होंने हार्ड मार्किंग की, वहीं पर जो लोकल कॉलेज है उसमें मार्किंग जो है ईजी रही होगी, आसानी से नंबर दे दिए गए होंगे। तो ये भी एक फैक्टर है जिससे छात्रों को, अधिकांश छात्रों की प्रथम श्रेणी हुई है स्थानीय कॉलेज में। तो ये ऑप्शन भी राइट नहीं होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी जो है उस जनरल ट्रेड के अधीन नहीं है, अनुरूप नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ अदर मैनेजमेंट कॉलेजेस इन द स्टेट परफॉर्म्ड बेटर देन द स्टूडेंट्स ऑफ द लोकल कॉलेज इन ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन। तो थर्ड जो ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है कि अदर मैनेजमेंट कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अन्य प्रबंधन कॉलेज के जो भी छात्र हैं, उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है स्थानीय कॉलेज के छात्रों से पिछले सभी एग्जामिनेशंस में, पिछले सभी परीक्षाओं में। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके हिसाब से जो अबव स्टेटमेंट हमें दिया गया वो सही नहीं होना चाहिए। अगर अन्य कॉलेज के स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले सभी एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर भी उन्हें करना चाहिए था, जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें भी अच्छा प्रदर्शन उन्हें
करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो स्थानीय कॉलेज है उसके छात्रों ने, अधिकांश ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है और उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि जनरल ट्रेड को कैंसिल कर रहा है, उसके अनुरूप नहीं है, ठीक है, उसके विपरीत है, और इसी को हमें फाइंड आउट करना था। यही हमें बोला गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग में इंडिकेट डेट द रिजल्ट्स आर नॉट इन लाइन विद द जनरल ट्रेड, ठीक है। तो हमें एक ऐसे रिजल्ट को, ऐसे स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना था जो ये बताए कि रिजल्ट जो हैं वो सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं है। इस वजह से थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। अभी तक दो ऐसे स्टेटमेंट हम देख रहे थे जो ये साबित कर रहे थे कि हाँ ऐसा हो सकता है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जो ये साबित कर रहा था कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप फोर्थ स्टेटमेंट भी देखिए, द लोकल मैनेजमेंट कॉलेज रिसेंटली रिट्रेंच्ड मैनी ऑफ इट्स रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स। तो देखिए ऑप्शन फोर में ऐसा कहा जा रहा है कि स्थानीय प्रबंधन कॉलेज है उसने अभी फिलहाल में ही अपने कई जो नियमित संकाय के सदस्य हैं उनको प्रशिक्षित किया है, उनको ट्रेनिंग दी है। तो हाँ ऐसा कारण हो सकता है जिससे स्थानीय कॉलेज के छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ये भी फेवर में है, तो ये ऑप्शन भी राइट नहीं होगा। वैसे तो राइट जो है वो थर्ड ऑप्शन है, लेकिन ये कंफर्म करने के लिए मैंने ऑप्शन फोर भी आपको बता दिया है। फिफ्थ नन ऑफ दिस होगा नहीं, क्योंकि हम हमारे राइट आंसर पर पहुंच गए हैं। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन थ्री। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन जो कॉज एंड इफेक्ट टॉपिक से जुड़े हुए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व की वो आपको समझ में आई होंगी। अगर हेल्पफुल रहा है आपके लिए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, या फिर क्या क्या कमियां हैं जिन्हें मुझे सुधारना चाहिए। जिन व्यूवर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन पर जब आप क्लिक करेंगे पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशंस के लिए परमिशन अलाउ हो जाए। तो कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल के थ्रू डायरेक्टली मिल जाएगा, आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे।